नहीं है, ऑटोमेटिकली चलते चलते अपना क्या हुआ, अपने तो पार उतरना है या डूब जाना है। तो हेलो जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कैसे पैदल। तो दोस्तों कैसे आप, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई अपने लास्ट से लास्ट वाली वीडियो तो उठा देते ली होगी कि हम गए थे सनी सिदनापुर। पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैंने सनी सिदनापुर के बारे में सुना था और फ़ोन में भी वीडियोज में देखता था और भाई उस टाइम पर मैंने मन बना लिया था कि एक बार अपने तो सनी सिदनापुर मंदिर जाना ही जाना है। तो भाई फाइनली अपने तो सनी सिदनापुर मंदिर के दर्शन हो गए हैं। एंड भाई जाने से पहले मैंने सोचा था कि एक बार सनी सिदनापुर मंदिर के दर्शन हो जाएं, सनी देव जी के दर्शन हो जाए, उसके बाद ही मैं अपने बाल कटाऊंगा। ये जो आप देख रहे हो ना, उसके बाद ही मैं अपने बाल कटाऊंगा। तो सनी देव महाराज जी के दर्शन हो चुके हैं, तो आज फाइनली वो दिन भी आ गया जिस दिन हम जा रहे हैं अपने बाल सनी देव महाराज जी को अर्पण करने। तो फाइनली अब निकलते हैं यहाँ से और बाकी सब बढ़िया है भाई। अभी मतलब जो आप बोल देते हो ना, तो भाई वो आप तो हर हालत में मतलब पूरा करना होता है। और मैं एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ऐसा मेरे तो काफ़ी बंदों ने बोला भी है कि कोई भी बंदा हो, वो मेल हो फीमेल हो, तो भाई मैंने ये सुना है और मुझे बताया भी है कि इंसान की जो सुंदरता होती है ना, वो उसके बालों से होती है। तो आज हम वही सुंदरता अपने से अलग करने जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं और बाकी सब बढ़िया है, अभी फटाफट निकलते हैं, पहले ही ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो चलो चलते हैं और बाकी सब बढ़िया है। चलो तो भाई फाइनली अभी निकल लिए दोस्तों। और यार खुश तो बहुत हो गए तुम, मतलब खुश तो बहुत हो गए तुम यार, मतलब इतने दिन बाद आपको मोटो ब्लॉग देखने के लिए मिल रहा है ना। तो भाई मैं भी खुश हूँ, मतलब काफ़ी दिन बाद हमने अपना हीरो 5 उठा ही लिया। तो भाई मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब पहले से जब से मोटो ब्लॉग नहीं कर रहा था ना, जब से मतलब एक माइंड में सैडनेस थी यार, मतलब मोटो ब्लॉग नहीं हो रही है, आज वो दिन आ ही गया कि हम मोटो ब्लॉग कर रहे हैं। और आज हम जहाँ जा रहे हैं, बस चलो आपको भी ले चलते हैं। और जो हमने सोचा था ना, जो हमने बोला था, आज वो करने का टाइम आ ही गया। तो चलो पहले भाई अपनी हलबेली, तो भाई पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं अपनी हलबेली से, तो पहले इससे चूहे शांत करते हैं और बात की सब बढ़िया है और मिलते हैं आपसे। चलो A few moments later. एंड भाई फाइनली हम जा रहे थे रास्ते में, और रास्ते में अपनी हलबेली में आ गए जब तक। तो भाई बीच में क्या हुआ था, बीच में उसने सेल्फी लेना बंद कर दिया था, फ़ौरन भी मतलब कुछ भी नहीं चलता था, इंडिकेटर वगैरह कुछ भी नहीं चल रहे थे। तो अभी भैया तो अभी चेक करा रहे हैं और उसके बाद निकलते और बाकी सब बढ़िया। अभी आज चलो आपको तो दिखाता हूँ। तो भाई ये अपनी हलबेली में फाइनली, पता नहीं ऑटोमेटिकली चलते चलते अपना आप क्या हुआ, इंडिकेटर भी ले रही थी और सेल्फ भी ले रही थी और कुछ नहीं चल रहा था कुछ भी। तो अभी भाई अभी चेक कर रहे हैं इसको, अभी देखते जैसे भी होता बताते आपको और बात ही सब बढ़िया है। चलो तो फाइनली भैया अभी जैसा अभी अपनी हलबेली फिर से हो चुकी है डन। तो भाई फाइनली अभी भाई हाईवे पकड़ लिया है, मिला था अभी फाइनली हाईवे पे आ गए हैं और भाई अब फेंकते हैं अपनी हलबेली। तो और सभी यार ये बोलते यार, अलबेली भी बोलती है खुद कि यार मेरे तो बहुत फेंसता है। तो चलो अभी फेंसते अलबेली तो, और फटाफट पहुँचते हैं अपनी लोकेशन पे और बातें सब बढ़िया है। चलो भाई फाइनली अभी पहुँच गए टोल। तो अभी पहले यहाँ पहले पीते एक चाय, और भाई घर से मतलब खाली पेट आया था, सुबह चाय नहीं पीते आया था, तो पहले यहाँ पीते चाय और फिर निकलते आ गए। और बाकी सब बढ़िया ही चल रहा है यार अभी तो, मतलब अलबेली यार इतनी स्मूथ चल रही है भाई, क्या ही बताऊँ मैं आपको। A few moments later. And भाई फाइनली भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब काफ़ी दिनों बाद अलबेली पे लॉन्ग राइड पे जा रहे हो। तो यार मतलब हाईवे पे ले जाए हुए अलबेली तो काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी के लिए ऐसा लग रहा है जैसे लॉन्ग राइड पे अलबेली तो लेते जा रहे हो। और मतलब इतना अल्टीमेट लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है यार, क्या ही बताऊँ। मतलब वही है ना, काफ़ी दिन से अलबेली भी शांत थी, तो अभी क्या है ना, अभी पहले से फीलिंग बेटर है। एंड भाई बस मैं तो यही बोलूँगा कि यार देखो, जो अलबेली था बुरा टाइम था वो बीत गया। तो वही है ना, ये तो बुरा टाइम हर किसी की लाइफ में आता है, कुछ पल ऐसे हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि हम उन पलों को भूल नहीं पाते। तो थोड़ा टाइम तो लगता है, बट कुछ पल ऐसे होते हैं हम उनको ज़िंदगी भर भूल नहीं पाते। वो इसलिए मेरा अलबेली तो छोड़ने का मन नहीं करता। और पहले मैंने सोचा भी था, एक दो बार सोचता भी होती है भाई अलबेली तो सेल कर देता हूँ, सेल करने के बाद में कोई दूसरी बाइक ले लेता हूँ, पर यार वही है ना, ये तो अलबेली से
इतनी अटैचमेंट है, इतनी मतलब फीलिंग जुड़ी हुई है, तो यार मतलब मन नहीं धरता कि अलबेली तो सेल करने था। तो बस यही है कि भाई जो तुम्हारे पास है लाइफ में, जो तुम्हारे पास है भाई उसकी उसको बारे में सोचो, जो तुम्हारे नसीब में होगा तो वो भाई वो कहीं नहीं जाएगा, और जो तुम्हारे नसीब में नहीं होगा ना वो तुम्हारे सामने हो पर भी भाई तुम्हारे पास नहीं आएगा, जो है उसी में खुश रहो और बात ही सब बढ़िया है। अभी आप तो आवाज़ थोड़ा अलग आ रही है भाई, मतलब सर्दी हो रही है तो सर्दी लग गई थी मेरे तो इसलिए मतलब आवाज़ थोड़ी सी अलग आ रही हो रही। एंड भाई मैं यही बोलना चाहूँगा तो जो तुम्हारे पास है ना उसकी भाई सदर करो। तो बस यही था और चलते हैं अभी अपनी डेस्टिनेशन पर, आप तो भी साथ और बात ही सब बढ़िया है। चलो तो फाइनली भैया अभी पहुंच रहे हैं, जहां अपने तो पहुंचना था वहां पहुंच रहे हैं, और आप तो बता रहा हूं कहां पहुंचे कहां नहीं पहुंचे और बाकी सब बढ़िया। चलो अभी आप तो भी चेक कराता हूं। चलो एंड भाई फाइनली आप देख सकते हो अभी तो हम कहां आए हैं, हम आए हैं बीच घाट। तो इधर ही अपनी अलबेली खड़ी है और ये इधर छोटा सा बच्चा जा रहा है बिना कपड़ों में, देखो इतनी सर्दी में भाई सब बिना कपड़ों में जा रहा है देखो। तो इधर अपनी अलबेली खड़ी है तो अभी चलते हैं, चलो और देखते हैं कहाँ से क्या धरना है क्या नहीं धरना है यार, बात ही सब बढ़िया है। अभी रंगने माता थोड़ी उतरी हुई है ये तो, और ये बीच में जो बनाया है ना ये जो रैंप बनाया है ये वाला, ये देख रहे हो ना आप, ये पूरा रैंप बनाया है, ये इसलिए बनाया है जिससे कि मतलब अभी जैसे मेला था अभी 4 से 5 दिन पहले तो पानी पूरा था, तो अभी ये इसलिए बनाया गया था जिससे कि कोई बंदा इससे उधर ना जाए नहाने के लिए, इससे अंदर ही अंदर नहाए। और यही था बस और बात ही सब बढ़िया है। चलो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना और चलो। A few moments later. फाइनली जिस काम के लिए मैं आया था यहाँ पे वो काम हो गया है। आप देख सकते हो भाई अपने नया लुक कैसा लग रहा है भाई, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। तो जिस काम के लिए मैं यहाँ आए थे वो काम हो गया, अब जो अपने बाल हैं उनको विसर्जित करते हैं पंजामा के अंदर, तो चलो बात की सब बढ़िया है। एंड भाई ये देख रहे हो ना ये यहाँ पर रैंप बना दिया है ये देखो, तो ये यहाँ से और आप देख रहे हो ना काफ़ी दूर तक बना गया ये रैंप यहाँ पर। चलो करते हैं अपने ये थोड़े से बाल लाए हैं विसर्जित करने के लिए दीदी। एंड भाई ज़्यादा बाल इसलिए लाए थी गंगा माँ से जल भरते बहुत पब्लिक ले आती है, तो इसलिए ज़्यादा बाल विसर्जित नहीं करे हमने, थोड़े से बाल विसर्जित करने वाले हैं ये देखो। तो चलो तो भाई देख लो इतना पानी है अपने ये देखो। इतना कम पानी है आप देखते हैं, अब अपन नहाते कैसे हैं, तो अपना पहले करते हैं अपने बाल विसर्जित ये देखो। तो जो हमने शनिदेव महाराज जी को अर्पण करे हैं, तो शनिदेव महाराज जी का नाम लेते हैं, हे शनिदेव महाराज ये बस, हे शनिदेव महाराज बस कृपा बनाए रखना बस। चलो और हे शनिदेव मैया बस कृपा बनाए रखना। बात ही सब बढ़िया है भाई, पानी मतलब पानी है ही नहीं यार, ये देखो भाई सब पानी है ही नहीं, इतना पानी है और मैं इतनी दूर आ गया हूँ देखो आप ये देखो। एंड भाई उधर आप तो दिख रहा होगा, जूम कर दिया इधर दिखाता हूँ देखो, सामने जो है ना सामने वहाँ पर अपनी अलबेली थड़ी है और वहाँ से मैं यहाँ आ गया हूँ देखो इतनी दूर, और मतलब ज़्यादा पानी नहीं है। चलो देखो रहे हो ना वो बंदा वो रहा, तो भाई इतना पानी नहीं है क्या इधर है, पहले इधर बता रहे थे पहले अभी 4-5 दिन पहले जब मेला था मेले तक तो पानी ठीक था, बट मेले से अगले दिन ही जैसे मेला ख़त्म हुआ मेले से अगले दिन ही पानी मतलब पानी उतर गया, गंगा माता उतर गई, तो इसलिए हम चलो नहाते हैं और बात सब बढ़ जाए।
भाई पानी नहीं अब क्या इधर है, अब ऐसे नहाना पड़ रहा है देखो। चलो पर अब जाते थोड़ा अच्छा फील हो रहा है देखो। मैं आपको बताऊं देखो, मेरा मानना है देखो, बट जो चीज़ आपके पास है ना, मैं तो आपको यही कहूँगा देखो, मैं भी गंगा माता के अंदर खड़ा हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो चीज़ आपके पास है ना भाई उसकी ठीक से कदर किया करो। मैं आपको बताऊँ वरना तो एक दिन क्या होगा, एक दिन मैं आपको ये आपको बताता हूँ एक दिन होना क्या है। आप कदर नहीं करोगे, जब इंसान रहता है जब तो सिर्फ कदर होती नहीं है, जब इंसान नहीं रहता ना जब उसकी अच्छे से आप उसको याद भी करते हो रोते हो तो कदर किया करो, वरना तो एक दिन क्या होना मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहा है ना आप तो वहाँ सामने, मैं आप तो जूम कर देखा था मेरे को वहाँ सामने दिखाई दे रहा है ना आप तो भाई, एक दिन ऐसा होता है और उसके बाद में बंदे तो उसके बाद जब ये सब हो जाता है ना देखो उसके बाद बंदा याद आता है। तो बस ये था और बाकी सब बढ़िया है। चलो एंड भाई फाइनली अभी अपना काम हो गया यहाँ पर, जिस काम के लिए आए थे और अभी यहाँ से निकल लूँ और अपना काम करा इन भाई ने। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, ठीक है। तो ये भी भाई इनके साथ हैं। अच्छा भाई बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा भी, ठीक है। चलो और आओ यहीं आना आप, मिलेंगे आप। चलो बहुत अच्छी बात है, तो भाई चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको आगे और बाकी सब बढ़िया है। चलो तो भाई अभी फाइनली इधर से निकल लिए हैं और बाकी सब बढ़िया है। अभी अभी देखते अभी अपने दोस्त इतना टाइम लगने वाला है, अलवेली तो अभी स्टार्ट कर दिया है। चलो जी एंड भाई मैं आपको तो बता दूं, अभी जैसे मैंने मतलब अपने जो बाल और सेविंग कटवा दिए ना, तो भाई अभी मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है और असर तो इतना भाई हल्का हो गया। एंड भाई मैं आपको तो बता दूं, हेलमेट का तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। एंड भाई मैं आपको तो बता दूं, जैसे पहले क्या हो रहा था, पहले हेलमेट बिल्कुल फंस रहा था मेरे सर में कुछ बालों की वजह से, और अब तो भाई हेलमेट इतना फ्री आ रहा है क्या ही बताऊँ यार। और मतलब मैं आप तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हेलमेट इतना फ्री आ रहा है और इतना अच्छा लग रहा है, मैं आप तो क्या ही बताऊं। ये देखो हे बाबा जी हट जाओ, बजरंग बली की जय। एंड भाई अभी घर पहुंचने वाले हैं और यार मैं इस साइड जो ना काफ़ी दिनों में आया हूँ, काफ़ी दिनों में। और ये देखो भाई, ये जो हरिद्वार से जो आ रहा है ना पानी, ये वही है। तो अभी पानी पीछे बंद है तो इसमें तलाम चल रहा है देखो साइडों में। पहले तो इतना अच्छा नहीं था बट अब मतलब बिल्कुल अच्छा बना रहे हैं इसको। और मैंने सोचा अगर फर्स्ट टाइम मैं भी देख रहा हूँ तो मैंने सोचा आपको भी बता ही देता हूँ, आपको भी दिखाई देता हूँ। तो अच्छा यार काफ़ी अच्छा लग रहा है देखो। हाँ जी भैया, तो फाइनली अभी पहुंच गए सर, अभी जस्ट पहुंचा हूँ मैं। और भाई साहब सर यार इतना हल्का फील हो रहा है अभी, काफ़ी दिन बाद मतलब बाल कटाने के बाद में इतना हल्का फील हो रहा है, क्या ही बताऊँ मैं आप तो, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ कि इतना अच्छा फील हो रहा है। तो बस यही था आज के ब्लॉग में। अगर यहाँ तक वीडियो देखिए वीडियो प्लीज लाइक करना, कॉमेंट करके बताना अपना ये मतलब नया लुक कैसा लगा आप तो। और जिस भाई ने चैनल तो सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल तो सब्सक्राइब कर देना। तो भाई अपनी कोशिश यही रही कि आप तो अब डेली व्लॉग मिलते रहें। तो बस अब यह है कि या तो अपने तो पार उतरना है या डूब जाना है। तो जिन तो पता है उनको पता है भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अपने तो या तो बस पार उतरना है या डूब जाना है। तो बस अब तो डेली व्लॉग मिलते रहेंगे, कोशिश मेरी यही रहेगी। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।